हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ये वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट चैप्टर का वीडियो देखने के बाद आप ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, और ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट करने के लिए आप bewiseclasses.com विजिट करके केमिस्ट्री का ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। जो स्टूडेंट 11th क्लास में है वो 11th का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जो स्टूडेंट 12th या 13th में है वो कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। गुड इवनिंग। हमने क्या कर लिए, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड कर लिए, हैलाइड कर लिए। नेक्स्ट लिखो ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स किस टाइप के बनाते हैं, जैसे M2O3 टाइप है और M2O4 टाइप हो गया, M2O5 टाइप हो गया। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है। इसमें मैं पूछूं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? अच्छा, मेरे को कैसे सपना आता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है? और नहीं सपना है ना, एक काम किया करो, सपना लिया करो, N2O5 में पानी डाल के देखो, 2HNO3 आया सपना। एसिड का ना, एसिड का एनहाइड्राइड है, HNO3 में से पानी निकाल दो, क्या बनेगा? N2O5 बनेगा। मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हो। इधर देखो, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में, +5 में। जब या तो जब इससे पहले ये वाला केस कर लो, बल्कि N2O3 P2O3 AS2O3 SB2O3 ऐसे लिख लोगे ना, तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होगा भाई? अब अपने को एसिडिक कैसे देखे, H+ तो कोई दे नहीं रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ देख लें, तो इसमें लुईस एसिड करेक्टर देखते हैं हम लोग। तो कैसे चेक करोगे भाई? जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब पे क्या है, +3 है। अब हम क्या करेंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। समझ आई बात? तो बताओ, तो N2O3 क्योंकि ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, लोन पेयर को। लोन पेयर को जल्दी कौन एक्सेप्ट करेगा, ये करेगा, तो ये ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। तो क्यों, हाँ ठीक है, क्यों देखेंगे साइज, ग्रुप में साइज देखते हैं, बात सही है। लेकिन जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं ना, तो तब हम क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा जल्दी, सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ठीक। दूसरा, अगर इसका ना बनेगा तो यही, ये बना बना के देख लो, या तो फिर है ना कॉन्सेप्ट तो हम है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ऑक्साइड की, हाँ तो वही तो लिखा मैंने, EN लगाते हैं इसमें। वैसे अगर अलग अलग हो ना, अरे नॉर्मली हम EN से ही करते हैं, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की दो से ही चेक करते हैं, या तो EN से करते हैं, ठीक, या किससे करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो किससे चेक करेंगे, ठीक। अब लिखो, इफ सेंट्रल एटम इज सेम, देन क्या होता है, एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। जैसे N2O3 हो गया, N2O4 हो गया, N2O5 हो गया, या इससे भी पहले लिखना चाहते हो इसके पहले वाले भी लिख लो, N2O है, NO है, N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है, तो सबसे ज़्यादा +1 इस पर, +2, +3, +4, +5 सबसे ज़्यादा कौन होगा? समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट देखो, अब ये जो ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे अब फास्फोरस के दो फास्फोरस के जैसे, तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, P2O3 और P4O6 है ना, P2O3 एंड P4O5 एग्जिस्ट एज डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो कैसे, P4O6 एंड P4O10 रिस्पेक्टिवली, इनका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, चार फास्फोरस बनाओ P4O6 का बनाने के लिए,
ये बनाए चार फास्फोरस, तो ये पी ओ, ठीक समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, और सिक्स बनाना तो क्या हो गया? सब में है पी फोर ओ सिक्स बना कि नहीं बना? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? तो कितने पीओपी बॉन्ड नजर आ रहे हैं? सिक्स पीओपी बॉन्ड है, और फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, ठीक। और पीओ बॉन्ड कितने हैं? एक दो, अरे पीओ पीओ छे दुनी 12, और पी फोर ओ टेन बनाना तो वैसे ही बनाओ। ये बना पी फोर ओ सिक्स हो गया, ये चार और लग गए, पी फोर ओ टेन हो गया, ठीक। इसमें कितने पीओपी बॉन्ड है? कितने हैं? सिक्स, और पीओ बॉन्ड, अरे छह दुनी 12 तो वैसे ही हो गए, और ये भी तो है चार। सिग्मा कितने हैं? 16 सिग्मा है, और पाई 4:1 है, सिग्मा इज टू पाई, ये पूछा जा चुका है आई ट्रिपली में। तो ये जो है पी फोर ओ सिक्स, ये किसमें किसकी भी प्रेजेंस में बनता है? फॉर्म पी फोर ओ सिक्स इज फॉर्म्ड व्हेन फास्फोरस रिएक्ट विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हो? लिमिट में हो, क्या बनेगा? पी फोर ओ सिक्स। और ऑक्सीजन क्या हो? अगर एक्सेस में हो क्या बनेगा? बोलो, फॉस्फोरस रिएक्ट विद एक्सेस ओ टू, पी फोर ओ टेन बनेगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से छापो। नेक्स्ट लिखो डाई नाइट्रोजन एंड इट्स ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन यानी एन टू गैस, हेडिंग डालो डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, हेडिंग डालो डाई नाइट्रोजन इज डाई, एन टू इज 78% इज प्रेजेंट 78% बाई वॉल्यूम इन एयर। लिखा साफ साफ एनसीईआरटी में, ठीक। नेक्स्ट लिखो बाई वॉल्यूम है, ठीक है। डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन लिखो, सारी की सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी एग्जाम में पूछी गई, इवन एक एक रिएक्शन एनसीईआरटी में भी पूछी गई। लिखो, पहला लिखो बाई हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट, बाई हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट, जैसे के टू सी आर टू सेवन होता है, ये क्या एन एस फोर टू आई सी आर टू सेवन, इसको मैंने हीट किया, क्या बनता है? एन टू गैस बनेगी, सी आर टू ओ थ्री बनेगा, प्लस पानी बनता है। बैलेंस करनी है तो कर सकते हो, समझ आया? नेक्स्ट लिखो सेकेंड पॉइंट, बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट, बाय हीटिंग सेकेंड, एक रिएक्शन हो गई, ये ऑलरेडी आईआईटी में पूछी जा चुकी है, सेकेंड रिएक्शन बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट, जैसे अमोनियम नाइट्राइट बनाना हो NH4Cl लो, KNO2 के साथ रिएक्शन कराओ, NH4NO2 बन जाएगा, अमोनियम नाइट्राइट है ये, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्रेट में NO3 होता है, ठीक है ना भाई? KCl, ये अमोनियम क्या है? नाइट्राइट है, ये मैंने बना लिया,
अब मैं इसको हीट करूंगा, NH4NO2 को हीट करके क्या बना लूंगा, N2 प्लस, और क्या आएगा, N2 और क्या आएगा भाई, सही है, 2H2O। लिखो जल्दी, एक रिएक्शन NCERT में और है, पेज नंबर 174 पे लिखो, बाय ट्रीटिंग, नेक्स्ट थर्ड लिखना, लिख लिया ना, ये पहले ये लिख लो, कोई बात नहीं, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में रिएक्शन करवा चुका हूं। अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते तो N2 गैस मिलती है, अमोनियम नाइट्रेट को करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करेंगे तो N2 गैस मिली, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, NH3 पक्का, चलो फिर ठीक है, चेक करो, चेक करना, N2O गैस तो नहीं मिलती, N2O मिलती ना, फिर ध्यान रखना है, अभी आ जाएगा, अभी मत लिखना, अभी लिखवाऊंगा, थर्ड लिखो, लिखो बाय ट्रीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट, बाय ट्रीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एक्चुअल में यही रिएक्शन है, देखो यही तो है, KNO2 की जगह उसने क्या ले लिया, NaNO2, ये एक्वस ले रहा है, यहां पे N2 गैस बनती है और पानी निकलता होगा, NaCl प्लस पानी, यही तो होगा, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछी गई, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें जो ये रिएक्शन ना पूछी गई हो, बाय हीटिंग बेरियम अजाइड, अजाइड के बेरियम अजाइड क्या होता भाई? है भाई, अजाइडाइन सुना आपने, अजाइडाइन क्या, N3- होता है, हाइड्राजोइक एसिड होता है ना अपना, N3H, उसका ना यानी क्या कहलाता है, अजाइडाइन कहलाता है, पता ना ये तो सबको, तो Ba3N2 है, नहीं क्या लिखेंगे इसको, BaN3 2, इसको हीट करोगे क्या मिलेगा, बेरियम मेटल मिलेगी प्लस N2 गैस मिलेगी, 3N2। ये क्वेश्चन IIT में, एम्स में, नीट में, हर जगह पूछा गया है और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रिपीट करते टाइम शर्माता भी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, बड़े इंटेलिजेंट हो, लिखो नेक्स्ट, ठीक है, लिख लिया, नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन गैस देखी आपने, नहीं देखी, अरे 78% है भाई एटमॉस्फेयर में, आप नाइट्रोजन गैस नहीं देखी, देखी, अब देखी, कहां देखी, किसने देखी, नहीं देखी, क्यों नहीं देखी, क्योंकि कलरलेस है, लिखो प्रॉपर्टीज, पहला लिखो कलरलेस, स्मेल आती है नाइट्रोजन की, चेक करो, चलो करो बाबा रामदेव वाला, करो, आई स्मेल, हैं, स्मेल आ रही है, ना के आ करो भाई, या पास वालों को बोलो, ये नाइट्रोजन की नहीं है, खुद में से आ रही होगी, नेक्स्ट लिखो, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, सेकंड, पानी में इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर, नहीं तो पता नहीं क्या क्या करती वाटर में सोल्यूबल हो जाती, तो बारिश में कुछ और ही आता ऊपर से नीचे, नेक्स्ट, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इट इज इनएक्टिव, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इट इज इनएक्टिव, फोर्थ प्रॉपर्टी, CaC2 होता है कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है पता है, एक बार एग्जाम ने ये भी पूछ लिया था कि कैल्शियम कार्बाइड में कितने पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड आते हैं भाई,
ठीक, सी एस सी टू रिएक्ट विद एन टू एट 1000 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर्म सी एस सी एन टू प्लस कार्बन. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलियम विच इज यूज एज फर्टिलाइजर. लिखो भाई, बड़े इंटेलिजेंट हो, लिखते चलो. नेक्स्ट, अच्छा लिख लो लिख लो. एन टू प्लस ओ टू, इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दो, बिजली का झटका, और कम टेम्परेचर पे नहीं, 2000 केल्विन पे देना है, नहीं तो ये इजीली बॉन्ड नहीं टूटते नाइट्रोजन के. तो टू एनओ गैस बना लेती है. एनओ मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड. मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, सिक्स्थ रिएक्शन. मेटल के साथ रिएक्ट करती है, जैसे लिथियम के साथ क्या बनाएगी, Li3N, और Mg के साथ रिएक्ट कर सकती है, Mg3N2, Ca3N2, Ba है ना, ऐसे Mg3N2, Ca3N2 इस टाइप से, Ba3N2 बना सकती ना. लिख लिया सबने. नेक्स्ट लिखो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. नेक्स्ट लिखो, अच्छा जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये पढ़ लोगे इतना ही बहुत है, कहीं ज्यादा दिमाग मत लगाना अपना. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहला लिखो नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड, और क्या कहते हैं इसको, लाफिंग गैस है ना. प्रिपरेशन लिखो, बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3 को हीट करने से अपने को लाफिंग गैस मिलती है. लिखा, अभी रुक जाना, अभी मेरी बात सुनना. जब ये नाइट्रस गैस बनती है तो इसमें इंप्योरिटी होती किसकी, NO की और NH3 की. तो ये इंप्योरिटी रिमूव करने के लिए हम किससे रिमूव करते हैं, FeSO4 से. तो NO की इंप्योरिटी रिमूव करते हैं, ये FeSO4.NO, ये एडिशन कंपाउंड बनता है, ठीक. और H2SO4 से क्या, कौन सी रिमूव करते हैं, NH3 वाली इंप्योरिटी, NH4 2SO4. ये बातें समझ में आई कि नहीं आई. लिखो, when N2O is prepared, it has impurity of NO and NH3 gas. It has impurity of NO and NH3 gas, which is removed by FeSO4 and H2SO4 respectively. FeSO4 and H2SO4 respectively, दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा, समझ आया. N2 की प्रॉपर्टी लिखना भाई, इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस. कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस. सेकेंड प्रॉपर्टी, when it is treated with water, it form hyponitrous acid. When N2O is treated with water, it form hyponitrous acid. ये होता है hyponitrous acid, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका. यानी हम ये भी कह सकते हैं कि hyponitrous acid का क्या है, anhydride है. अरे पानी डाला उसमें तो ये बना, तो इसमें से पानी निकाल लो वो बन जाएगी. नहीं समझे मेरी बात, कितने इंटेलिजेंट हो. लिखो, दिखा, जब N2O को आप इनहेल करते हो, सूंघ लेते हो, तो क्या आता है, हंसी आती है. लिखो, नेक्स्ट लिखो,
क्या लिखा मैंने, व्हेन N2O इज इनहेल्ड इन मॉडरेट क्वांटिटी इट प्रोड्यूस हिस्टोरिकल लाफ्टर। हिस्टोरिक मतलब वो हिस्टोरिकल नहीं, ये अला मस्त हसीयत, पता नहीं इंग्लिश में लिखा हुआ देख लो। हेंस इट इज नोन एज लाफिंग गैस। नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड O प्लस माइनस, जीरो चार्ज इसमें टोटल। वैसे एनसीआरटी में स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना रखे प्लस माइनस करके, एनसीआरटी ने सीधा वो दिखा रखे लोन पेयर कहाँ कितने, ठीक है। और ये ऐसे भी एग्जिस्ट करता भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। अब एनसीआरटी में एक जगह ये लिख रखा है ये एन एन और ओ, देखना एनसीआरटी में बॉन्ड लेंथ दे रखी होगी। ये 113 पिकोमीटर है, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, ये 119 पिकोमीटर है। बस आपको ये बताना चाहिए इसमें एन एन से बॉडी बॉन्ड लेंथ एन ओ की होती है, बताओ क्यों। अगर देखा जाए जो हम पढ़ के आए हैं, नाइट्रोजन ठीक, इसका इस इन दोनों का साइज नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा होता है, ठीक ऑक्सीजन से बड़ा होता है, इसका बड़ा होना चाहिए था बॉन्ड लेंथ, लेकिन इसमें बॉन्ड ऑर्डर का रोल आ जाता है। यहाँ पे एन में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल और सिंगल है, यानी बॉन्ड ऑर्डर यहाँ का 2.5 है और यहाँ का 1.5 है। समझ आई मेरी बात, नहीं आई? अरे यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन आया है ना, एक बार ट्रिपल बॉन्ड आया दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो दोनों के बीच का रहेगा कितना रहेगा 2.5, डबल और ट्रिपल का बीच का 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे डबल और सिंगल के बीच का 1.5, इसलिए एनओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। नहीं समझ में आया अभी भी, लिख लो भाई। नेक्स्ट लिखो N2O is isoelectronic as well as isostructural with CO2. isoelectronic as well as isostructural with CO2. Both have 22 electrons and linear shape. With CO2, both have 22 electrons and linear shape. Next, लिखे. Uses. जो N2 होती है O2 के साथ मिक्सर करके किसके लिए दी जाती है? एनेस्थीसिया में। हंसा हंसा के बेहोश कर देते हैं। लिखो, ऐसा नहीं है। A mixture of N2O and O2 is used in anesthesia. लिखा, नेक्स्ट लिखो नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस का प्रिपरेशन का मेथड क्या है बोलो। अरे N2 प्लस O2 अभी इलेक्ट्रिक स्पार्क देके आपने NO गैस नहीं बनाई पीछे, तो फिर लिख लो सीधा N2 प्लस O2 को आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया था, NO गैस बनी थी कि नहीं बनी थी। और दूसरा आता है फ्रॉम ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, NH3 प्लस O2 गैस को PT गाज यानी प्लेटिनम की जाली, ये लिया जाता है 750 से 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और हाइट प्रेशर भी ज़्यादा लिया जाता है 6 to 7 ATM, और क्या बन जाती है, NO गैस बन जाती है प्लस और क्या निकल जाएगा, पानी वानी बन जाएगा, ठीक है। लिखो जल्दी, एक NCRT की रिएक्शन भी लिखवाऊँ क्या,
एनसीईआरटी में भी इसका प्रिपरेशन दे रखा है, एनसीईआरटी में थोड़ा और टाइप का है। एक एनसीईआरटी वाला है, टू एन एन ओ टू प्लस एफ ई एस ओ फोर प्लस थ्री एच टू एस ओ फोर, ये बना रहा है एफ ई एस टू एस ओ फोर थ्राइस, सॉरी एफ ई टू एस ओ फोर थ्राइस प्लस टू एन एच एस ओ फोर प्लस पानी प्लस एन ओ। लिख लो भाई इसको भी, नेक्स्ट लिखो N2O इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, कलरलेस गैस, ये अपनी टैगलाइन है प्रॉपर्टीज की, पहली प्रॉपर्टीज के साथ इसको चिपका के रखो, ऐसे ना वहां पे ऐसे तो लगा दो, ठीक 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 है चलो लिख लो। नेक्स्ट लिखो न्यूट्रल टुवार्ड्स लिटमस, अब नहीं लिखवाऊंगा, न्यूट्रल टुवार्ड्स लिटमस, लिखा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंट करके, व्हेन इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ, जो पॉइंट में इंपॉर्टेंट जहां पे बोलू ना बस वही फोकस करने हैं, नहीं तो ये इनऑर्गेनिक रटते रटते पागल हो जाओगे। जहां पे मैं नहीं बोलू, मैंने नहीं बोला ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बस लिखवा दी एक बार, देख लो एनसीईआरटी की है, नहीं इंपॉर्टेंट ये, कोई नहीं पूछता इनको, लो। अरे तो फिर नहीं लिखवाना चाहिए भाई, एक बार पढ़ा रहा हूं। ओस्ट वाली कंडीशन पूछते हैं क्या, ओस्ट वाली कंडीशन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। काट भी दिया, वेरी गुड, वो देखो मेरे से ही पहले काट दिया उन्होंने, गुड। मैं जब बोलता हूं ये याद करना, उसी टाइम याद कर लेते हैं उसको। चलो कोई बात नहीं है, तो स्टार लगाने से नहीं होगा, उसको पांच छह बार पढ़ना पड़ेगा। अब कई लोग क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ इस पे 20-25 स्टार लगा लो, 20-25 स्टार लगा लेते हैं, तो स्टार लगाने से याद थोड़ा होगा, इसका मतलब उसको 20-25 बार पढ़ना है। इसके स्टार लगाने का मतलब समझो, वो 5-6 स्टार लगा लिए, 5-6 स्टार का क्या मतलब है, स्टार लगाने से याद होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो लिखो, व्हेन इट इज हीटेड विद, व्हेन इट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एनओ टू गैस, इट गिव्स ब्राउन फ्यूम्स ऑफ एनओ टू गैस। एक ना इसको उसमें भी करेंगे हम एनओ, एक बार ये देखो ओ टू के साथ रिएक्शन करके हीट की जाती तो एनओ टू गैस बनाती जो ब्राउन कलर्ड गैस होती है। अब तो ठीक है, कलर्ड गैस बता दिया आपको, कलर गैस पढ़ रहे थे तब से। अच्छा मेरी बात सुनो, अब एनओ गैस है ना वो कॉम्प्लेक्स बनाती है FeSO4 के साथ ब्राउन रिंग टेस्ट में, तो वहीं पे करवा दूं ना एक साथ, अभी नहीं करवा रहा, ठीक है अभी इसकी प्रॉपर्टी में लिखवा रहा, उसको कल करवा दूंगा, वो भी दो बार करवाऊंगा, अभी बता देता हूं दो बार कराऊंगा ब्राउन रिंग टेस्ट, लेकिन दूसरी बार मैं पूछूंगा, कब पूछूंगा, डी ब्लॉक में, याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, इट इज पैरा मैग्नेटिक ऑक्साइड, इट इज पैरा मैग्नेटिक ऑक्साइड बिकॉज इट कंटेन्स ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एज इट कंटेन्स ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जैसे ये देखो ये NO है, नाइट्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन तो यहां शेयरिंग में किए, दो यहां पे और एक ये रहा, पांच इलेक्ट्रॉन होते नाइट्रोजन में वैलेंस सेल में, और ऑक्सीजन ने दो तो यहां शेयर कर दिए, ठीक चार और दो छह। तब ऑक्सीजन क्या करती है इस केस में, यहां पे जो दो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ना इस बॉन्ड में दे देती है और नाइट्रोजन देता है एक, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया आपका, समझ आई बात, ऐसा होता है। कोई डाउट है क्या, लिखो फिर इसको, लिखा भाई थ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इस बॉन्ड में तीन इलेक्ट्रॉन, एक तो नाइट्रोजन का और ये दो क्रॉस जो मैंने दिखा रखे ये ऑक्सीजन के, नहीं नहीं आएगा इसमें चार्ज नहीं आता है, ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
नेक्स्ट लिखो यूजेज, इट इज यूज एज कैटालिस्ट, इट इज यूज एज कैटालिस्ट इन लेड चैम्बर प्रोसेस, इट इज यूज एज कैटालिस्ट इन लेड चैम्बर प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज यूज एज कैटालिस्ट इन लेड चैम्बर प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4. लिखो लिखो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 या डाई नाइट्रोजन सेस्की ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3. लिखो 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 डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन सेस्की ऑक्साइड, ये भी नेम है इसका, क्या बोलेंगे इसको. लिखो इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड. ये गड़बड़ थी क्या? बहुत अच्छे. नेक्स्ट लिखो फिर. It is obtained by reduction of nitric acid with arsenic oxide. +5 नाइट्रिक एसिड +3 में जाता है और ये खुद +3 से +5 में जाता है. आर्सेनिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन नाइट्रिक एसिड का. लिखो ऑब्टेंड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इट इज ऑब्टेंड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद आर्सेनिक ऑक्साइड. नेक्स्ट लिखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी इसमें लिखो इट इज प्रेजेंट एज ब्लू कलर्ड लिक्विड, ब्लू कलर्ड सॉलिड, सॉरी इट इज प्रेजेंट एज ब्लू कलर्ड सॉलिड when it is condensed up to -30°C, but when it is warmed at room temperature, then it decomposed to then it decomposed to brown colored mixture of NO and NO2 gas. ठीक है, समझ आई बात? इसका देखो कहने का मतलब ये N2O3 जो है ना, अगर इसको होना -30°C तक रखोगे तो ये क्या रहेगा? ब्लू सॉलिड रहेगा. ठीक, लेकिन अगर हम ये किस पे, -30°C पे, लेकिन इसको रूम टेम्परेचर पे गर्म कर दे तो क्या बनेगा? NO प्लस NO2 गैस. और ये क्या होंगे? इसका कलर कैसा होता है? इसका ब्राउन कलर होता है मिक्सर का. लिख लो भाई.
नेक्स्ट लिखो व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर इट फॉर्म नाइट्रस एसिड, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर इट फॉर्म नाइट्रस एसिड, हैंस इट इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। समझ आई बात? यानी एच ओ ये एनओ होता है, एच ओ एनओ नाइट्रस एसिड होता है, ये देखो इसमें से पानी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, एन टू ओ थ्री, इसका एनहाइड्राइड है मतलब। ये लिखो जल्दी, लिखा स्ट्रक्चर देखना, अब एनसीईआरटी में दे रखा है वही करवा रहा हूं। एन ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये ऐसे बॉन्डिंग करता है, ठीक। एक तो ये स्ट्रक्चर बनता है इसका, और एक स्ट्रक्चर इसका ये भी बनता है, ये इधर वाले रेजोनेंस करेंगे, ठीक है दोनों। समझ आई बात? और कभी कभी इसका एक स्ट्रक्चर ये भी बना के दिया जाता है, कहीं पे आप ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, ये भी सही है, लेकिन एनसीईआरटी इनको मानता ऊपर वाले दो को, ठीक। एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना रखा है इसका, और ये बता रखा, देखो ये बोलता है एनसीईआरटी, ये बोलता है यहां पे ये जो N2O3 जो बनता है, बोलता है इसकी ये वाली बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ जो है 114 पिकोमीटर है, ये 186 पिकोमीटर है, और ये 121 पिकोमीटर है। याद नहीं करनी ये, ठीक, इसको ऐसे याद रख लो। देखो यहां पे ये है, ठीक है भाई, तो ये अगर x बोल दी जाए, ये y बोल दी जाए, ये z बोल दी जाए, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? अब सुनो मेरी बात, पहली बात सुनो, यहां पे सबसे बड़ी तो यही होगी NN, सिंगल बॉन्ड यही है, ये प्योर डबल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है ड्यू टू रेजोनेंस। भाई ये दोनों जगह मूव करेगा, ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे, यहां पे प्योर डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे बड़ा y, फिर x, फिर z, सॉरी फिर z, फिर x। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, और एम्स ये चीजें पूछ लेता है ऐसे लिख के कि N2O3 का स्ट्रक्चर ऐसा है, एक्स वाई जेड है ये बॉन्ड लेंथ, तो बताओ एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन है। फिर हम वहां पे भूल जाते हैं। एक तो कुछ लोग क्या करते हैं, बोला एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है तो वैल्यू रट लेते हैं, ये वैल्यू नहीं रटनी है। क्यों नहीं रटनी? क्योंकि वैल्यू थोड़ा पूछेगा, एग्जामिनर पागल थोड़ा है कि वैल्यू पूछेगा। समझ आ रही ना बात? तो ये वैल्यू नहीं पूछेगा कभी भी, कंपैरिजन करवा सकता है, और जो जिस स्टूडेंट को ये समझ में आता है ये स्ट्रक्चर बनता है, वो कंपैरिजन अपने आप कर सकता है। तो ये होता है एनसीईआरटी का ऐसे एनालिसिस करना। मैं बोलता हूं डायग्राम को देखा करो, टेबल को देखा करो, ऐसे करते हैं एनालिसिस, चाहे वो बायो है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है। रटना नहीं होता पूरी एनसीईआरटी को, बस उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि क्या कहना चाहता है। समझ आई कि नहीं आई? उसने तो वो वैल्यू लिख लिख के दे रखी है, ऐसा थोड़ा वैल्यू रटोगे। फिर इसने अब देखो एक चीज और दे रखी है, यहां पे जो बॉन्ड एंगल दे रखे हैं, ये वाला जो बॉन्ड एंगल दिया उसने 105 डिग्री दिया है, ये 130 डिग्री दिया है, और ये कितना दिया है देखना एक बार, 117 होगा। यही है क्या? चेक करना, नहीं है किसी के पास एनसीईआरटी, देखना उसमें एनसीईआरटी में। समझ आया कि नहीं आया? अब ये ज्यादा क्यों है? देखो ये ज्यादा हुआ, ठीक, ये ज्यादा थोड़ा सा इसलिए हुआ, ये सोचो यहां पे ये sp2 हाइब्रिडाइज तो है ही, आप बोलोगे 120 डिग्री एंगल होना चाहिए था, तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण हम बोलते हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड में रिपल्सन कम, डबल बॉन्ड में ज्यादा, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड में भी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा। समझ आई कि नहीं आई बात? दूसरा, यहां पे ऑक्सीजन के लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसलिए एंगल 120 ना होगा, कितना हो गया 130, और ये अगर 130 बढ़ेगा तो ये वाला एंगल घटेगा अपने आप, नॉर्मल सी बात है, और ये वाला एंगल 105 डिग्री होता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं? कोई डाउट है क्या? सही है, ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये नीट में नहीं पूछता, ये एम्स के लिए बताइए, अगर एम्स एग्जाम लेता तो ऐसा पूछता है। नेक्स्ट लिखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, और करके लिख लेना NO2 और N2O4 दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है।
लिखो प्रिपरेशन, लिखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे PbNO3 ट्वाइस है, PbNO3 ट्वाइस को हीट कर दोगे तो क्या देगा बताना भाई, मेटल नाइट्रेट को जब हीट करते हैं वो मेटल मेटल ऑक्साइड देता है, NO2 गैस देता है और O2 गैस देता है, याद आया कि नहीं आया, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, एक्सेप्ट नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो टूटते नहीं है, वो नाइट्राइड देते हैं, जैसे NaNO3 को तोड़ोगे तो क्या देगा, NaNO2 देगा, समझ आई ना बात, याद आया, वो भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे नहीं टूटता, यही था ना बात, ऐसा ही था, ठीक है, NaNO2 शायद लो टेम्परेचर पे देता है और हाई टेम्परेचर पे शायद N2 देता है, ऐसा कुछ है क्या, है ना, हाई टेम्परेचर पे N2 देता है, लो टेम्परेचर पे NaNO2, ठीक है, रिवाइज कर लेना एक बार केमिकल बॉन्डिंग से। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो NO2 क्या है, ब्राउन कलर गैस है, पहली बात तो यह कि ब्राउन कलर गैस है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, अगर इसको माइनस 11 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दोगे तो N2O4 बन जाएगा, और N2O4 कैसे होता है, कलर लैश, कोई कलर नहीं होता इसका, और वापिस हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्राउन बन जाएगा, लिखो कलरलेस बनता है, कलरलेस सॉलिड बनता है, ठंडा करोगे तो सॉलिड ही बनेगा। NO2 को अगर आप माइनस 11 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देंगे तो कलरलेस सॉलिड बनता है, और हीट करोगे तो ब्राउन गैस बनता है। नेक्स्ट लिखो When it is treated with water, when it is treated with water, हाँ ये पहला इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा एग्जामिनर यूज करता है इसको, बोलेगा लेड का एक कंपाउंड है, ठीक ठीक है, जो हीट करने पे एक ब्राउन कलर की गैस देता है, जिसको 11 डिग्री सेल्सियस तक कूलिंग करने पे कलरलेस सॉलिड बनता है, तो बताओ ब्राउन गैस का नेम क्या है, वेरी गुड, कितना इंटेलिजेंट हो। नेक्स्ट लिखो, क्या लिखवाया मैंने अभी, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर इट गिव्स टू एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इट गिव नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, NO2 को ट्रीट करके देखो पानी के साथ, करें भाई क्या बनता है, HNO2 प्लस HNO3, hence it is anhydride of both acid, यानी नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या है, anhydride है, देखो ये नाइट्रिक एसिड और यहां पे ये क्या है, नाइट्रस एसिड, ये वीक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग, तो वीक इसके प्रेजेंस में क्या करेगा, ओ एच माइनस देगा, बेस का काम करेगा, ठीक, पानी निकल जाएगा तो क्या बनेगा, एन टू ओ फोर बनेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, टू एनओ टू नहीं लिख सकते, यहां पे टू एनओ टू लिख लेना अगर रिएक्शन बैलेंस करके दिखानी दो, लिखा भाई इसमें तो दे नहीं रखा है, चलो कोई बात नहीं, लिखा। नेक्स्ट लिखो स्ट्रक्चर, देखो भाई स्ट्रक्चर होता है ये NO2 का, ठीक है, चाहो तो आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखाते, सिंगल बॉन्ड भी दिखा दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है इसका मतलब, जब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं कर रहा बॉन्ड में, है ना, इसको ऐसा दिखा देते हो, ये क्या हो गया, सही है ना, ठीक, जो इसमें ओड इलेक्ट्रॉन होता ना, ये क्या करता है, पेयरिंग कर लेता है, और पेयरिंग करके एन एन बॉन्ड बन जाता है इसमें ऐसे, ठीक, और ये ऐसे आता है फिर,
समझ आया कि नहीं आया? और इसके दो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, ये ऐसे ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, तो सबको पता होगा। कितने इंटेलिजेंट लोग हो, लिखा। अब इसमें जो ये बॉन्ड एंगल होता ना, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये आपका 135 डिग्री के आसपास होता है, ठीक, समझ आई बात। और इसमें जो बॉन्ड एंगल दिया गया है, ये होता है 134 डिग्री के आसपास। अरे तो वही तो मैं बता रहा हूं यार, इसको या तो ऐसे दिखा लो, लो एरो बना लो भाई एरो। अगर एरो नहीं बताओगे ना, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत बोलना, ठीक है। अब गुरु एनसीआरटी में ऐसे बना रखा, मैंने इसलिए ऐसे बना दिया। बना लो भाई, लो 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 एरो बनाओ, एरो के बिना क्या है। लो, तीर जब तक नहीं दिखेगा तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत मानना उसको, लिखा। नेक्स्ट लिखो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 गैस। इसमें लिखो इट इज प्रिपेयर्ड बाय, क्या हो गया, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई Cl2 गैस थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। इट इज ड्राई Cl2 गैस। अरे जैसे AgNO3 है और AgNO3 के थ्रू Cl2 गैस पास करो, ड्राई Cl2, ये 2AgNO3 ले लो, N2O5 गैस बनेगी, AgCl प्रेसिपिटेट बना लेगा और थोड़ी बहुत ओड उड जाएगी, देख लो बैलेंस है क्या, हाफ O2 आ जाएगा वहां पे। एक NCRT में और दे रखा है यार, NCRT वाला और लिख दूं, एक और HNO3 के साथ रिएक्शन, HNO3 की रिएक्शन करवाता है, इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये भी, P4O10 के साथ 4HPO3 प्लस N2O5 लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी थोड़ी देर में लिखाऊंगा, जल्दी लिखो, एक पेज और भरेगा बस। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और N2O5 जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, HNO3 बनाता है, यानी इट इज एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रिक एसिड। When it is treated with water, it forms nitric acid. Hence, it is anhydride of nitric acid. लिखा भाई, लिखा। Next लिखो तीसरी reaction, जब इसकी when it is treated with NaCl, following reaction occur. N2O5 को NaCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, NaNO3 बनेगा प्लस NO2Cl बनता है, NO2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, और NaNO3। और सॉलिड N2O5 कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड N2O5 कैसे एग्जिस्ट करता है बताना भाई, NO3 माइनस और NO2 प्लस, ये भी करा था क्या केमिकल बॉन्डिंग में, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, ये NO3 माइनस ऐसे एग्जिस्ट करता है, sp2 होता है, प्लेनर होता है, और ये क्या होता है NO2 प्लस, ये इस पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और लीनियर होता है, कोई डाउट है क्या, लिखो फिर जल्दी। स्ट्रक्चर लिख लो इसका, लो भाई इस बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूं, फिर मत बोलना। ठीक है सर, इस बार है, चलो भाई थैंक यू। है
क्या बोल रहे हो? अच्छा कौन बोल रहा है? हिंदी में बोलते सुना है? मैं भी हिंदी बोलता हूं, मैंने तो कभी नहीं बोला। ये तो 112 डिग्री। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 120 डिग्री, 112 डिग्री है। एक बार ये देखना ये कितना है। ये 130 के आसपास ही होगा, 130 या 35, 134 है। ठीक है, और ये वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा लंबी होती है। ये x लिख दे और ये y लिख दे तो x इज मोर देन y। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखो, लिखो नेक्स्ट लिखो। Which of the following contain NN bond in it? Which of the following contain NN bond in it? करो भाई ये वाला क्वेश्चन। बॉन्ड किस किस में है? फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी। ऐसा थोड़ा कि हर बार ये पूछूंगा कौन सा नहीं है, मतलब एक ऑप्शन वाला ही पूछूंगा, लेकिन एग्जाम में इसका उल्टा आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन एनएन बॉन्ड इन इट। N2O5 कर लोगे और इस बार आ गया तो पक्का कर लोगे। वेरी गुड, चार नंबर लिखो फिर। नेक्स्ट लिखो, न्यूट्रल ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल। NO है, N2O है, H2O और CO, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं चार पीरियोडिक टेबल के। बाकी कोई एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है, कोई एम्फोटेरिक होता है। लिखा, नेक्स्ट लिखो, अमोनिया गैस NH3 प्रिपरेशन लिखो। फर्स्ट लिखो फ्रॉम यूरिया, NH2CO, NH2 इसमें पानी डालो 2H2O और इससे बनता है NH4 ट्वाइस CO3 जो टूट के क्या देता है NH3 प्लस CO2 प्लस पानी भी देगा। लिखो, नेक्स्ट लिखो सेकंड, फ्रॉम यूरिया हो गया, सेकंड लिखो फ्रॉम अमोनियम साल्ट्स, NH4Cl है, इसकी CaCl2 के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा CaOH2 के साथ CaCl2 बनता है प्लस अमोनिया गैस मिलती है प्लस पानी भी मिलता है, ये हो जाएगा। और NH4 2SO4 अगर दे दिया जाए इसकी NaOH के साथ रिएक्शन करवानी पड़ती है, क्या बनता है Na2SO4 प्लस NH3 गैस प्लस पानी, ऐसे बैलेंस हो जाएंगे ये 2NH3। थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम हैबर्स प्रोसेस। लिखो, हैबर प्रोसेस, इसमें एनसीईआरटी में भी दे रखी है, आपकी पढ़ लोगे अपने आप। तो इसमें ना बस मैं सीधा सीधा लिखवा देता हूं कंडीशन, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इसको किस पे कंडीशन याद रखनी, इसकी 200 ATM, 700 केल्विन ये टेम्परेचर, और इसमें जो कैटलिस्ट करते यूज करते MFE2O3 प्लस
मोलिब्डेनम ये कैटालिस्ट यूज करते हैं और इससे क्या बनती है, NH3 गैस बनती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, लिखो भाई जल्दी से। तो इसमें आपको एक ही प्रोसेस याद रखनी है, ये वाली। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज, क्या एक ही लिखवानी चाहिए थी है? लिखो प्रॉपर्टीज, लिखो पहला प्रॉपर्टी लिखो, कलरलेस, इट इज कलरलेस गैस। नहीं लिखोगे, लिख लो प्लीज, लिख लो कलरलेस गैस है ये लास्ट गैस आज की, लिख लो कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है, पंजेंट, तीखी स्मेल। सेकंड लिखो, नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है और सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म बेसिक सोल्यूशन, सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म बेसिक सोल्यूशंस, ये वीक बेस बनता है। नेक्स्ट, मुझे लग रहा है फॉर्म साल्ट्स विद एसिड, अभी तो मेरा मूड हुआ पढ़ाने का। फॉर्म साल्ट विद एसिड, NH3 प्लस HCl के साथ क्या करेगा, NH4Cl बनाएगा। फॉर्म साल्ट विद एसिड, NH3 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, NH4 ट्वाइस SO4 बनेगा। साल्ट बना रही कि नहीं बना रही, लिखा। ये एक भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसमें है ही क्या, अमोनिया में बस मैंने हैबर प्रोसेस जो बताई वो इम्पोर्टेंट है। अरे जो अभी जो मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ आपको, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, या तो वो ऐसी चीज़ हर बच्चे को आती है, ये जो मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट। जैसे अभी दो पॉइंट लिखवाऊंगा, घर जाके अमोनिया में जब अमोनिया की हेडिंग में लिखोगे ना, आपका बस यही काम है, दो पॉइंट तो ये लास्ट वाले लिखोगे, एक हैबर प्रोसेस, बाकी मत लिखो, अलग पेज पर लिख लिया करो। आपका ये मान लो ये अमोनिया अमोनिया लिखने में पूरा पेज भर गया होगा, लेकिन तीन लाइन इंपॉर्टेंट है बस, उसको अलग पेज पे लिख लिया करो। मैंने नहीं बता, हर एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर दो पेज में खत्म हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर इनऑर्गेनिक कैसे रिवाइज करें, जैसे ऑर्गेनिक में बोला आपने, ऑर्गेनिक कैसे रिवाइज करें, है ना। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, इट प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, इट प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद दियर सॉल्ट। जैसे ZnSO4 है, तो ZnSO4 एक्वस लिया आपने, ये सॉल्यूशन लिया, और NH4OH का सॉल्यूशन ले लो, ठीक। ये क्या करता है, यहां से ZnOH ट्वाइस ये सॉलिड बना देता है, प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट PPT बनता कि नहीं बनता ये, ठीक, प्लस NH4 ट्वाइस SO4 बन जाएगा, ऐसा ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। लिखो जल्दी से। नेक्स्ट FeCl3, इसके साथ रिएक्शन करता है जब NH4OH के साथ, क्या बनाता है Fe2O3.XH2O बनाता है, प्लस NH4Cl ये ब्राउन PPT देता है, और ये एक्वस, ये सॉलिड बनाएगा PPT, और ये एक्वस बनते हैं, साल्ट जो बनते हैं सॉल्यूशन में रहेंगे। करें नेक्स्ट, करें नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का पॉइंट है। लिखो, इट इज यूज्ड फॉर
इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ मेटल आयन्स लाइक Cu2+, Cu2+ एंड Ag+ आयन्स बिकॉज इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद देम बिकॉज इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद देम जैसे Cu2+ आयन है ये डिटेक्ट करने आपको ये है मीडियम में Cu2+ आयन तो NH3 इनके साथ क्या करता है इसके साथ कैसे बना क्या बनाता है CuNH3 4 और ये 2+ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और ये कैसा कलर देता है ब्लू कलर देता है तो आपको मेटल आयन्स दे रखे हैं आपसे ये पूछे कि इनमें से कॉपर का आयन कौन सा है ले भाई अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के देख ले जो नीला कॉम्प्लेक्स बना लेगा वो क्या है अब देखो अपने पास AgCl होता है व्हाइट होता कि नहीं होता लेकिन AgCl को Ag+ को अलग कर दो और Cl- को अलग कर दो व्हाइट रहेगा क्या तो Ag+ आयन कैसा है कलरलेस है लेकिन Ag+ कलरलेस है ना तो देखो अगर हम AgCl क्या होता है व्हाइट होता है इसकी रिएक्शन अगर हम NH3 के साथ करवा दें तो ये क्या करता है इस रिएक्शन में भी कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है ये प्लस और Cl- और ये कॉम्प्लेक्स होता है कलरलेस तो आपने Ag+ आयन का डिटेक्शन किया कि नहीं किया ठीक है तो आज की ये रिएक्शन थी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अमोनिया गैस NCERT से एक बार रीडिंग ले लेना NCERT में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे टेबल दे रखी है बहुत अच्छे से वो टेबल पढ़ना वैसी टेबल आप भी बना सकते हो अपने नोट्स से सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो कर लेना ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते yes. कोई डाउट है क्या और अब मेरे ख्याल में बोरोन फैमिली और एस ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे पी ब्लॉक के शुरू कर दो ठीक है समझ आ रही है कोई डाउट थैंक यू भाई